नमस्कार, हमारे चैनल माँ की देसी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम खोया भरी पूड़ी बनाएंगे। इसके लिए हमने मैदा लिया हुआ है और ये खोया लिया है। खोया हमने घर में बनाया है और ये इलायची पाउडर लिया है थोड़ा सा, ये भूरा शक्कर लिया है और ये गरी का बुरादा लिया है, इसको भी हमने घर में बनाया है। आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, इसका वीडियो भी डाला हुआ है। ये मोयन के लिए हमने घी लिया है, ये देसी घी है, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। सबसे पहले ये मैदा हम सान लेते हैं। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मोयन इसमें अच्छे से मिल गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सान लेते हैं। आटा इसका मुलायम लगाना है। आटा हमने लगा लिया है, इसको अच्छे से मसल मसल कर सान लिया है। बहुत मुलायम हो गया है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और ये खोया तैयार कर लेते हैं। ये हम खोया मिला लेते हैं। इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और ये भूरा शक्कर है, सॉरी ये गरी का बुरादा हमने डाला है। अब इसमें ये भूरा शक्कर डालेंगे। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से रखें, जो आपको पसंद है कम ज्यादा उसी हिसाब से रखें इसमें, क्योंकि इसको हम रबड़ी के साथ सर्व करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, अब इसकी पूड़ी बनाएंगे। ये आटा देख लेते हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छा से मुलायम हो गया। इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। लोई हमने तोड़ लिया है, अब ये इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। और इसमें ये खोया भरेंगे। और धीरे से दबा देंगे इसको। इसी तरह से हम सारी लोइयां भर लेंगे। इन लोइयों में हमने खोया भरकर तैयार कर दिया है, अब हम इन्हें बेल लेते हैं और हल्के हाथ से इन्हें बेलेंगे। इधर तेल गरम हो रहा है, ठीक है।
तेल गरम हो गया है, इसमें हम ये पूरी डाल देते हैं। इनको थोड़ा सा धीमी आंच में सेकेंगे। आप इन्हें त्योहार में बना सकते हैं, जब कोई आपके यहाँ गेस्ट आ जाए तो खाने के साथ भी इन्हें दे सकते हैं। बहुत खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। इनको हम हल्का गुलाबी होने तक पका लेंगे। पूरी पक गई है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम सारी पूड़ियां बना लेंगे। सारी पूड़ियां बन गई हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये खोया हरी पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। हम इन्हें रबड़ी के साथ सर्व कर रहे हैं। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं और ये रबड़ी के साथ बहुत टेस्टी हो जाती है, इनका स्वाद दुगुना हो जाता है। और आप एक बार इस तरह से बनाकर देखें और टेस्ट लें इनका। अब इन्हें हम हटा देते हैं और आपको रबड़ी के साथ भी सर्व करना बता रहे हैं। आप ये तुरंत खा सकते हैं, ज्यादा देर अगर रखेंगे तो ये गलने लगती है और सॉफ्ट हो जाती है, तो आपको हम ये रबड़ी के साथ बता रहे हैं खाना। और इन्हें 5 मिनट में आप इनको काट करके खाएं, ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रबड़ी के साथ कितनी अच्छी लगने लगी है और इसका टेस्ट भी दुगना हो जाता है। आप किसी भी गेस्ट को आप दें खाने के साथ, ये मीठा के रूप में दें, बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं ये मीठा कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। और इन्हें आप हल्के हाथों से जब खोया भरकर बेलें तो हल्के हाथों से बेलें और मीडियम आंच में सेकें, जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि खोया बाहर निकल आएगा। और आज की रेसिपी कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।